क्या मस्त है भाई, दार्जिलिंग का ट्रेन ऐसा है कुछ, हिमालयन ट्रेन। तोड़ते हैं तो ये 10 से 15 हजार रुपये किलो बिकता है, और जो बड़ा बड़ा पत्ती है थोड़ा, टाइगरों में ये सबसे बड़ा होता है, सबसे खूंखार होता है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम नेक्स्ट डे में इंटर कर चुके हैं, और भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दार्जिलिंग में बेकरी बहुत ही अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा अभी तक जहाँ भी घूमे हैं सबसे अच्छा बेकरी यहीं का लगा है हमको। यहाँ का बेकरी जरूर ट्राई कीजिएगा आप। तो अभी ले जाएंगे रास्ते के लिए भी, हम यहाँ से बेकरी ले जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा बेकरी का दुकान है यहाँ पे। ये देखिए पेट्रोल इंजन लग रहा है, ये डीजल इंजन लग रहा है, और वो देखिए इधर से आ रही है जो। ये देखिए ये कोयला वाला ट्रेन है जो पहले के जमाने में चलता था, कोयला वाला इंजन है ये। क्या मस्त है भाई, दार्जिलिंग का ट्रेन ऐसा है कुछ, हिमालयन ट्रेन है, बड़ा मस्ती है। ये और मार रहा है डीजल इंजन वाला। ये देखिए ये अटैच कर रहा है अभी, डब्बे से लग रहा है। अभी जो ट्रेन चलाते हैं उनसे मैंने पूछा ये ट्रेन कितनी स्पीड तक चलती है, तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, इससे ज़्यादा चला ही नहीं सकते, या तो ट्रेन ट्रैक उजड़ जाएगा या तो ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी। तो इतना ही स्पीड चलता है ये ट्रेन, और यहाँ से आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक की मिल जाएगी, और ऐसे नॉर्मली घूमना है तो अगल बगल के आजू बाजू के स्टेशन तक जाती है। तो भाई जस्ट स्टेशन के पास ही ये देखिए ट्रेन वेन ठीक हो रही है, कारखाना टाइप का ये इंजन है ट्रेन का सब। हम अभी एक रेस्टोरेंट में आए, तो अभी यहाँ कल भी यहीं पे खाना खाए थे और आज भी यहीं पे खाए, तो आपको दिखा दे रहे हैं रेस्टोरेंट का नाम है और कहाँ पे है। तो ये देखिए बस स्टैंड है यहाँ पे सामने, और इधर से आओगे तो आप ये रेस्टोरेंट मिले आपको, ये रेस्टोरेंट मिलेगा त्रिवेणी रेस्टोरेंट, और अंदर चलते हैं अभी। और ये भैया है जो मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, ये जिन्होंने पता है मैं होटल का टाइम था 11 बजे तक, तो मैंने चेकआउट कर लिया, तो भैया ने बोला कि यहीं पे तुम सामान रख सकते हो, तो यहीं पे रखे हैं अभी हम सामान, और साथ में टी गार्डन भी ये घुमाएंगे हमको। और यहाँ का खाना को तो क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही टेस्टी है, आप दार्जिलिंग आओ तो यहाँ पे जरूर खाना। और एक चीज पता है, नया चीज पता चला है मुझे, क्योंकि ये उधर नहीं मिलता देखने को, ये देखिए अभी ये आप बता सकते हो ये प्लास्टिक है, ये पता है भाई ये प्लास्टिक ही, प्लास्टिक के तरह लग रहा है लेकिन है नहीं ये प्लास्टिक। ये देखिए ये मकई का जो छिलका होता है, ये जो मकई का छिलका होता है उससे बना है। अभी आप मतलब ये कितना एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है, और मतलब ये पास ही में घूम पड़ता है, तो यहीं के मतलब यहीं के फैक्ट्री वैक्ट्री में बना है, यहीं के लोग ईजाद किए हैं इसको, तो ये बहुत ही अच्छा है, ये पूरे कंट्री या पूरा पूरा प्लेनेट में यूज करना चाहिए, ये डिजोल्व इजिली डिजोल्व हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो भाई अभी हम दार्जिलिंग में हैप्पी वैली गार्डन में आ गए, हैप्पी वैली टी गार्डन में, और ये ऐसा कुछ दिखता है, देखिए टी गार्डन दिखाना भाई थोड़ा ऊपर ऐसा है, और ये देखिए टी का पेड़ है। और इसमें भाई क्या खासियत है कि ये जो देख पा रहे हो, थोड़ा आगे आना भाई, इसमें आना आगे, तो ये जो पत्ती है ये ऊपर की है, इसका इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। ये वाला पत्ती तोड़ते हैं तो ये 10 से 15 हजार रुपये किलो बिकता है, और जो बड़ा बड़ा पत्ती है थोड़ा वो सब थोड़ा कम क्वालिटी का आता है, तो उसका प्राइस भी कम हो जाता है। और भाई पता है यहाँ के लोग मतलब ये जो तोड़ते हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे, उसको 150 लगभग मिलता है पर डे का, और 150 में ये इतना मतलब पहाड़ चढ़ के इतना ऊंचा तोड़ते हैं, काम करते हैं, और यहाँ पे कंपनियां रहती है, उधर जो देखोगे उधर उधर दूसरा है, उधर दूसरी कंपनी है, और इधर का इधर इधर का कंपनी कोई और है। और देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जस्ट ये जो चिमनी दिख रहा होगा आपको, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मतलब प्रोसेस होता है टी का, और हम लोग ऊपर से आए थे वहां से, और वहां पे फिर चढ़ के जाना भी है। तो भाई लेकिन हम लोग को देखने में तो आसान लगता है कि मतलब चाय है, चाय उगा रहे हैं यहाँ से, चाय खरीद लेते ये वो, लेकिन भाई इसका प्रोसेस बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ही मेहनती होते हैं, एक तो पहाड़ चढ़ के मतलब काम करना, ऊपर से इतना कम पैसा, तो मतलब हम लोग की तरफ कोई करेगा भी नहीं यार, मतलब 150 क्या ही होता है यार, 150 मतलब 150 में तो एक दिन का खाना भी ढंग का नहीं आएगा, तो बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। और जो यहाँ का चाय का पेड़ देख रहे हो भाई साहब आप, ये देखो यहाँ पे ये जो पेड़ है,
इसको ना ऊपर से काटा जाता है, मतलब फर्स्ट ऊपर से फिर सेकंड ऐसे ऐसे करके काटा जाता है, मतलब पूरा पेड़ नहीं काटते, पूरा 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 पेड़ जब काटेंगे जब ये सड़ जाएगा। तो मतलब सही है, एक एक पेड़ से आप बहुत दिन तक मतलब पत्तियां निकलती है तो उसको बहुत दिन तक यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हैप्पी वैली है इसका मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का चाय होता है, ये यहाँ से मतलब इंग्लैंड जाता है चाय, जापान जाता है, मतलब अलग अलग कंट्री के देश से लोग यहाँ पे मतलब इतना अच्छा क्वालिटी है यहाँ से ले जाते हैं। अभी ये कटिंग नहीं किया गया है, और इधर देखिए ये पूरा कटिंग किया हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये कटिंग किया हुआ है, तो ऐसे ही कटिंग होता है। और इसमें फिर से पत्ते उग जाएंगे, और इसका मतलब जितना भी दिन चलता हो फिर ख़राब होता है तो फिर पेड़ ही पूरा काट देते हैं। अभी हम टी वैली से 1.5 किलोमीटर ऊपर चल के जू में आ चुके हैं, और ये देखिए ये है हिमालयन गोट, और आगे दिखाते हैं आपको, इसमें भी है वही हिमालयन गोट दूर में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए भालू है, बाउंड्री भी इतना सही है, पता नहीं कुछ क्या आ जाए बीच में, होगा कुछ नहीं आ सकता, बीच में गड्ढा है बहुत। और यहाँ पे है लंगूर, जो अपने लोगों ने देखा ही होगा, इसको तो सब जगह मिल जाता है, ये 210 रुपये देकर आप ऐसे क्लाइम कर सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। और वहाँ भी है रोप टाइप का, देखिए ये जगह इंडोर वॉल क्लाइंबिंग ऐसा है कुछ। और अभी चलना है हम लोग को ऊपर। तो ये है भाई हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूजियम, अंदर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर से मैं बता दे रहा हूँ अंदर क्या क्या है। तो अंदर मतलब हिमालय का जो भी पक्षी उक्षी जो भी पाया जाता है, स्नेक कोबरा वगैरह सब प्रिजर्व करके रखा गया है, तो लगेगा बिल्कुल अभी जिंदा ही है, मतलब असली जैसा। तो तेंजिंग नॉर्गे जो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम चढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किया था वो सब दिखाया गया है यहाँ पे, और वो कैसे चढ़े उनके बारे में सब बताया गया है यहाँ पे, और कौन सा माउंटेन कितनी ऊंचाई पर ये सब दिखाया गया है। तो आप दार्जिलिंग जब भी आओगे तो यहाँ पे जरूर आना है। तो भाई यहाँ पे लेपर्ड है, देखिए लेपर्ड है यहाँ भाई, यहाँ पे है ब्लैक पैंथर, उधर देख रहा है कौन सा पक्षी है पता नहीं, ये देखिए। और आगे इधर भी है वही पक्षी से, एक देखिए खेल कूद कर रहा है, ये पैरोट भी है ऊपर। मैंने पहले कभी इतना टाइप का कैक्टस नहीं देखा, इतना बहुत सा टाइप का है। और इधर है रॉयल बंगाल टाइगर, इतना खूबसूरत लग रहा है दीवार में लगाया है पौधा। हाँ रॉयल बंगाल टाइगर, ओहो रॉयल बंगाल टाइगर, ये देखिए आप लोग कितना हैवी है ना, बहुत हैवी है भाई, कितना नहीं। टाइगरों में ये सबसे बड़ा होता है, सबसे खूंखार होता है। ये देखिए कितना बड़ा है, इसका सिर भी कितना बड़ा है, ये देखिए, ये देखिए देखा इधर। तो ये भाई स्नो लियोपर्ड है, देखिए उधर देख रहा है भाई, वुल्फ है ये। देखिए रेड पांडा है ये, पेड़ों पे चढ़ रहा है ये, और इसका घर भी है वो। ये जो में फिश भी रखा गया, देखिए ये कौन सा है, ओरांडा गोल्ड फिश। और आगे दिखाते हैं आपको टाइगर ऑस्कर, ये रहा टाइगर ऑस्कर, इधर भी है।
और ये नियोन टेट्रागपी, ढेर सारे फिश का मिक्सचर है इसमें। और इधर कौन सा है, चिचलिड, इसमें फिश दिख ही नहीं रहा है, है ही नहीं। इसमें कौन सा है भाई, ब्लैक गोल्ड फिश, ब्लैक गोल्ड फिश और रेड टेलर्ड। ये देखो रेड टेलर्ड, फिर देख भी रहा है ये कैसा है भाई, शार्क है क्या, शार्क, हाँ शार्क है, रेड टेल्ड शार्क है ये देखिए। चलें आगे चलें, देख रहा है ना शार्क। और ये है टिन फोली बार्ब, टिन फॉइल, टिन फॉइल, ओके। ये कौन सा पक्षी देख, ये कौन सा पक्षी देख लो भाई आप लोग, मैं नाम नहीं जानता हूँ, इधर नाम लिखा है ऐसे, बट छोड़ो आगे देखते हैं। और ये कलरफुल पक्षी है, कौन सा, पैरोटी होगा, यहाँ लिखा है मकाओ है, मकाओ, ये मकाओ है भाई, जंगली कैट है यहाँ पे, कैट दिख रहा है कहीं पे, कहाँ है, चल भी रहा है देखो, ये भाई जंगली कैट है, ये रहा जंगली कैट। ये लिपर्ड कैट है। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जंक्शन आ गया, तो अभी इस गाड़ी से आए, देखिए। और इस गाड़ी का किराया था 250 रुपया पर पर्सन, जो 3 घंटा में पहुंचा दिया है। तो अभी यहाँ से जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी, वहां से फिर ट्रेन लेना है। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, इससे अभी हम सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे। अभी हमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे, और हमारी ट्रेन अभी जस्ट आ ही रही है। तो देखिए ऐसा है कुछ, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, और इसी प्लेटफॉर्म पे एक नंबर पे हमारी ट्रेन आ रही है, जो हमें लगभग 10 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय छोड़ देगी। अभी हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और ये देखिए ट्रेन थी हमारी रानी कमलापति, और ये लगता है बिल्कुल न्यू ट्रेन है। देखिए अभी तक नेम प्लेट वगैरह कुछ नहीं चिपका है, और ये वीकली ट्रेन है, सप्ताह में एक बार चलती है। और ये बिल्कुल खाली ही था ट्रेन, मतलब जनरल डिब्बा भी पूरा खाली ही था, 100-100 का है पूरा। तो नया ट्रेन है, इसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है, तो अच्छा था, भीड़ नहीं था इसमें। तो अभी चलेंगे घर की तरफ, फिर से मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में।